हेलो दोस्तों, माई सेल्फ प्रवीण जांगिड। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज में प्रयोग लिए जाने वाले शब्दों के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्पीच, स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब होता है भाषण देना या भाषण। अगर आप चाहें तो भाषण का मतलब क्या होता है? बोलना। अब बोलने के दौरान जितने भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उन्हें ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कह देते हैं। वैसे भी इसकी अगर हम मीनिंग देखें तो अंग्रेजी भाषा में जितने भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग एक वाक्य बनाने में या फिर बोलने में किया जाता है उसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पीच या टाइप्स ऑफ वर्ड्स। मतलब ये हुआ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में तो हमने जान लिया, उसके बाद में ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं या फिर जो टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, मतलब इंग्लिश में आने वाले जितने भी शब्द होते हैं उनको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, वो चीज़ टाइप्स ऑफ वर्ड्स या टाइप्स ऑफ स्पीच कहलाती है। तो देखिए, मुख्यतः इंग्लिश भाषा में 8 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कंजंक्शन कह लो या कंजक्शन कह लो, बात एक ही है। इसी तरह से लास्ट जो 8th पॉइंट है, इंटरजेक्शन। इस प्रकार से ये 8 प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल इंग्लिश लैंग्वेज में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इन 8 प्रकार के शब्दों के अलावा किसी भी प्रकार के शब्द का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में नहीं किया जाता। मतलब जब भी हम आगे आने वाले वीडियोस में इंग्लिश बनाना सीखेंगे तो इन्हीं शब्दों को आगे पीछे करके एक सिस्टमेटिक तरीके से जमा कर वाक्य बनाना सीखेंगे। हाँ, तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं नाउन के बारे में। आखिर ये नाउन होता क्या है? तो देखिए, अगर मेरे शब्दों में मैं कहूँ कि नाउन होता क्या है, तो भाई सीधी सी बात है, आप कहीं ना कहीं घूमने जाते होंगे। या यूँ मान लीजिए, अब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो मेरे कमरे में जो भी आसपास मुझे दिखाई दे रहा है, या मैं कहीं बाहर जाऊँ या कहीं और जगह जाऊँ, तो मुझे आसपास जो भी दिखाई देगा उसी का नाम क्या होगा? संज्ञा होगा। लेकिन अगर अपन अकॉर्डिंग टू बुक्स देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, इमोशंस एंड आइडियाज। मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान, यहाँ तक कि जो भावनाएं और जो विचार होते हैं उनके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, अगर अपन नीचे से देखें ना, तो इसमें जो मेरे अकॉर्डिंग लिखाई हुई डेफिनेशन है वो है किसी का भी नाम संज्ञा होती है। मतलब ये हुआ कि आपके सामने, आपके आसपास जो भी कुछ दिखाई देता है उसका नाम संज्ञा होता है। अब इसी तरह से अब देखिए, अगर हम देखें कि हमारे आसपास तो दो ही तरह की चीज़ें दिखती हैं, और वो दो तरह की चीज़ें कौन सी हैं? सजीव या निर्जीव। तो ये भी डेफिनेशन हो सकती है कि सजीव और निर्जीव के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। या यूं कह लीजिए, आपके आसपास जो भी दिखाई दे उसके नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जहां तक हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, व्यक्तियों का नाम जैसे रिक्की, राहुल, कविता, ये सभी क्या हैं? व्यक्तियों के नाम हैं। इसी के अलावा वस्तुओं के नाम में देखें तो पेन, पेंसिल, लैपटॉप, ये सब क्या हैं? वस्तुओं के नाम हैं। ऐसे ही अगर स्थान के बारे में देखें तो जयपुर, इंडिया, अमेरिका, ये कुछ ऐसी जगह हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति रहता है, तो वो हो जाते हैं स्थान। तो स्थानों के नाम, वस्तुओं के नाम, व्यक्तियों के नाम। इसी तरह से जो अपनी इमोशंस होती हैं, जैसे भावनाएं, एंगर, लव, सैडनेस, इसके अलावा और भी बहुत सारे अपने इमोशंस हैं, अपने आइडियाज होते हैं, तो उन सभी के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे।